अशोक तंवर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, NSUI सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से कि उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज किया और हमारे लिए NSUI इलेक्शन अथॉरिटी के लिए समय निकाला। आज इस मीटिंग में मौजूद NSUI की पूरी हरियाणा NSUI टीम का मैं NSUI सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑल इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूं। मुझे NSUI इलेक्शन अथॉरिटी द्वारा हरियाणा का इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त किया गया है। मैं आज से आपके सब साथियों के बीच में हरियाणा में ही रहूंगा और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आपने पहले देखा है कि मेंबरशिप का प्रोसीजर और सब अब बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार मेंबरशिप फॉर्म ले लें, क्योंकि पहले की तरह प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा उसमें चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था कि आप लोग कॉलेज में जाके मेंबरशिप करते थे और सिंगल सिंगल फॉर्म भरते थे, लेकिन इस बार ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इस बार आपको एक फॉर्म भरना है जिसमें एक एक्टिव मेंबर रहेगा और 10 प्राइमरी मेंबर रहेंगे। एक्टिव मेंबर का काम रहेगा उसको स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ना है, उसको एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। और प्राइमरी मेंबर का बेसिकली इस सिस्टम में कोई रोल नहीं है, सिर्फ मेंबर्स रहेंगे। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उन लोगों को एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा, या वोट करना है उनको एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। वो अपने हरियाणा स्टेट के अंदर किसी भी कॉलेज से जो कोर्स 1 ईयर के लिए वैलिड है उस कोर्स से वो मेंबर बन सकते हैं। हरियाणा स्टेट के किसी भी कॉलेज से 1 ईयर का कोर्स वैलिड होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, उसमें मेंबर बन सकते हैं। और हमने हरियाणा के लिए मुकेश जी के बोलने में पहले हम पूरे इंडिया में हमारा ऑनलाइन मेंबरशिप चल रहा है, हम लोग ऑफलाइन नहीं कर रहे, लेकिन मुकेश जी ने बोला कि हरियाणा में ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमने ऑफलाइन का भी यहाँ पे ऑप्शन रखा है। यहाँ पे हरियाणा स्टेट में ऑनलाइन मेंबरशिप भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी, जिसका कि इसका क्राइटेरिया है वो 31 दिसंबर 1989 के दिन जिसका बर्थ हुआ है या उसके बाद हुआ है वो लोग इस इलेक्शन में एलिजिबल होंगे। 30 दिसंबर 1989 वाले लोग मेंबर नहीं बन सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 31 दिसंबर 1989 जो कट ऑफ डेट है हरियाणा के लिए। और आज हम लोग मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग का मेंबरशिप प्रोसेस है जो 30 दिन हरियाणा में चलेगा। इसकी लास्ट डेट है जो 23 मार्च 2017 लास्ट डेट रहेगी। मेंबरशिप ऑफलाइन मेंबरशिप के लिए सबमिट करने के लिए हमने 5 जोन बनाए हैं, कुरुक्षेत्र, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक और महेंद्रगढ़। उसके पास में जो भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो वहां पे जाके अपनी मेंबरशिप जमा कर सकते हैं। जो ऑनलाइन मेंबरशिप है हमारी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, उसमें किसी को कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। और जो ऑफलाइन मेंबरशिप है उसमें एक फॉर्म की फीस 100 रूपये है, 100 रूपीज है 11 लोगों की, 10 प्राइमरी मेंबर, 1 एक्टिव मेंबर की फीस है जो वो 100 रूपये रहेगी। ऑनलाइन में कुछ नहीं जमा करना, वो उसमें कोई फीस नहीं जमा करना। क्यों? ऑनलाइन जो प्रोसेस जो पैसा लेना डाटा का फ्री हो गया, ये तो कैशलेस कर दिया आपने मामला, कैशलेस की बात हो रही थी। ये तो सर कैशलेस से पहले ये सर इतने मैं वैसे कह रहा हूँ, ये उसी तरीके का होगा। ये यूथ कांग्रेस में 75 रूपये की सर, उसमें 75 रूपये की 25 रूपये की ऑफलाइन। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है, पहले क्या होता था हमारे कॉलेज लेवल में इलेक्शन होते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में होते थे। इस बार हमने कॉलेज लेवल पे इलेक्शन खत्म कर दिया, जो लोग एक्टिव मेंबर बनेंगे वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए वोट करेंगे, कॉलेज लेवल पे कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट में 15 लोगों की कमेटी रहेगी, स्टेट में 21 लोगों की रहेगी और नेशनल डेलीगेट 4 लोग रहेंगे।
ये हमारा इलेक्शन मॉडल है। बाकी नहीं, यूनिवर्सिटी में भी कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना यूनिवर्सिटी में ना कॉलेज नहीं कहीं। सर एनएसयूआई मजबूती यूनिवर्सिटी पॉलिसी होगी, उसके बाद का प्रोसेस है कमेटी बनने के बाद, इलेक्शन के बाद का प्रोसेस है नॉमिनेट भी नहीं होंगे उसके लिए पूरी कमेटी बनेगी। नॉमिनेट अगर कोई एलिजिबल होगा प्राइमरी मेंबर्स में से उसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, प्राइमरी मेंबर्स में ही उसको नॉमिनेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे को डिस्ट्रिक्ट में केस और बाकी जो पूरा प्रोसेस है हमने वेबसाइट में अपडेट कर दिया है, मेंबरशिप फॉर्म, मेंबरशिप मॉडल, इलेक्शन मॉडल हरियाणा की वेबसाइट में सारा अपडेटेड है। अगर आपके मन किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ये हमारा इलेक्शन मॉडल 10 नंबर पड़ेंगे नीचे एक्टिव मेंबरशिप। हाँ, उसके लिए आपको एक नंबर है फॉर्म के ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी स्कोर करना है।